इंदौर में लापरवाही से चलती रिक्शा को लगाम कसने के लिए अब यातायात विभाग और आरटीओ विभाग द्वारा पूरी तरह से मैप तैयार कर लिया गया है और आने वाले समय में जनपद की नीतियों के साथ चर्चा कर 10 से 15 रूट ई रिक्शा के लिए तय किए जाएंगे और उसी के आधार पर ई रिक्शा शहर में संचालित हो सकेगी। देखिए, भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से हम लोग हैं, हमारी यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है। हमारी यूनियन ने पिछले 2 दिन पहले थाने का घेराव का एक चेतावनी दी थी कि हम ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल जी और पुलिस कमिश्नर मकरम देवस्कर जी का घेराव प्रदर्शन करेंगे पलासिया चौराहे पर। तो शासन प्रशासन ने भी हलकम मचा और आज आरटीओ साहब ने सुबह मुझे फोन करके बुलाया कि आप डीसीपी साहब के पास आ जाओ पलासिया थाने पर, और यहाँ पर आज हमारी रूट को लेकर के मीटिंग हुई। रूट उन्होंने तय कर लिए हैं, लगभग उन्होंने किस प्रकार की योजना बनानी थी कि रूट से हमारे ऑटो चालक भी थे साथ में, हम सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि इंदौर शहर में ई रिक्शा का रूट किस प्रकार से फिक्स किया जाए। और 15 रूट की चर्चा हुई है कि 15 रूट इंदौर शहर में ई रिक्शा के बनेंगे। थोड़े लंबे लंबे रूट जरूर रहेंगे लेकिन वो 15 रूट रहेंगे, इससे ट्रैफिक भी सुगम रहेगा, जो शहर में जाम की स्थिति बनती है वो भी नहीं बनेगी और हमारे ऑटो चालक भाइयों को भी व्यापार व्यवसाय करने में फायदा होगा और ई रिक्शा वालों को भी उसमें बेनिफिट है, उनका एरिया जो फिक्स रहेगा वो उस एरिया में चलाएंगे जिस प्रकार से अपनी टाटा मैजिक और मारुति वैन चल रही है। अभी बहुत समस्या देखने को मिलती है, ई रिक्शा कहीं पर भी आ जाती है, कहीं भी चली जाती है, कुछ तो भी चल रही है, तो इसके लेकर कुछ प्रदर्शन आगे अगर नहीं होता तो अगर इस प्रकार हमारी बातों को नहीं माना गया आगे, अभी इनकी ये बात है कि आज ये नक्शा बना रहे हैं, नक्शा बना करके शनिवार को महापौर जी और कलेक्टर साहब के साथ इनकी मीटिंग है, उसमें ये हमारा जो ई रिक्शा का रूट है वो एरिया फिक्स करके बताएंगे। अगर वो लागू हो जाता है तो ठीक है और अगर लागू नहीं होता है तो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ हजारों ऑटो चालकों के परिवार के साथ रीगल चौराहे पर चक्का जाम और प्रदर्शन करेगा। ये मीटिंग का उद्देश्य ये था कि शहर में जो ई रिक्शा है उनके लिए एक प्रॉपर रूट प्लान करना था हमको। उस संबंध में डीसीपी सर के साथ और उनकी टीम के साथ अभी बैठक हुई थी और इसमें हमने प्लान बनाया है कि हम अलग अलग जो शहर के रूट्स हैं ई रिक्शा के लिए वो प्रस्तावित करेंगे और मेयर साहब की जो कमेटी है उसमें हम उसको शनिवार को रखेंगे, फिर जैसा वहां से निर्देश प्राप्त होगा फिर आगे कार्रवाई होगी। कितने रूट तय करेंगे? ई रिक्शा काफी अनियमित रूप से चलती है, आए दिन पलट जाती है और दुर्घटनाएं होती हैं, उसी की रोकथाम के लिए उसी को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ये, और हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि 10 से 15 रूट बनाएंगे शहर में। तो कितनी राहत मिल पाएगी सर? इससे सिस्टमेटिक हो जाएगा ई रिक्शा का संचालन। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि ई रिक्शा चलाने वाले चालक तमाम नियम कायदे को ताक पर रखकर ई रिक्शा संचालित कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और उन्हें रूट भी तय करना होंगे। मृदुभाषी प्रदेश के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।